वेलकम बैक टू माई चैनल टिस्टो क्रिएटिव। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल हाईलाइटेड बाल किसको नहीं पसंद है, सब कोई अपने बाल को हाईलाइट करवा रहा है। बट क्या आप जानते हैं कि वो आपके बालों को कितना ज़्यादा डैमेज करता है? आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आपके हेयर पे लगाने पड़ते हैं, भले ही वो रूट से आपको नहीं करता है, मतलब हेयर कलरिंग आपके रूट से नहीं होती है, मगर जो आपके बाल हैं उसको वो ज़रूर डैमेज करता है लॉन्ग रन पे। तो मेरे पास इसके लिए एक सोल्यूशन है। तो रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से हेयर एक्सटेंशन ऑर्डर किया है जो कि गोल्डन हाईलाइटेड कलर में मुझे मिला है, जस्ट इन ₹179। हो सकता है कि अभी जो रेट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, बट अंडर 200 यू कैन गेट दीज। और मेरे पास यहाँ पे एक ब्राउन गोल्डन में शेड है और एक ब्लैक और गोल्डन में शेड है। तो जो मेरे पास ब्राउन गोल्डन में शेड है वो 2H27 करके इस पर एक नंबरिंग दी हुई है। हो सकता है कि शेड नंबर हो, बट जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो एक फ्री कलर ही अवेलेबल था, तो मैंने दो बार इसे ऑर्डर किया, बट ये अलग अलग कलर में शो हुआ है मुझे। और जो ब्लैक गोल्डन में आया उसका शेड उसके ऊपर ये नंबर दिया हुआ था 4H27। तो मैं यहाँ पे आपको ओपन कलर के भी आपके हेयर हों उसके अकॉर्डिंग आप हेयर एक्सटेंशन मंगा सकते हो, और 200 के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाता है बिना किसी डैमेज के। आप पार्टी में या किसी चीज़ में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप का ये हेयर एक्सटेंशन हमें मिला हुआ है, स्ट्रेट है। आप चाहे तो इसे कॉम कर सकते हो एक बार, या एक बार इस पर आप स्ट्रेटनर चला सकते हो। ये फाइबर का दिया रहता है मटेरियल, बहुत ही ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश है, बिल्कुल लगता है कि आपने एकदम ट्रीटमेंट करवाया है। और इसके पीछे ये क्लिप्स दी रहती हैं जो आपको इस तरीके से ओपन करनी रहती है लाइक दिस। आप हमेशा कोशिश करिएगा कि मतलब जैसे इसमें आप देख सकते हो बहुत कम बाल दिए हुए हैं, घने नहीं दिए हैं। तो आप जब इसको अपने हेयर पे क्लिप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके बाल को खींचेगा नहीं, क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि आप ऐसे एक्सटेंशन बनवाइए जो बहुत घने ना हो, थोड़े से ही बाल हों। आप 2 या 3 ऐसे करके मंगवा सकते हैं और अलग अलग जगह आप इसे फिट कर सकते हैं। तो बहुत हैवी भी नहीं लगेगा और ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। वैसे जनरली पीछे अप्लाई करते हैं, मतलब अगर आप मिडिल सेक्शन इस टाइप का कर लो और फिर यहाँ से अप्लाई करना चालू करो, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ ऊपर से लगा रही हूँ। जैसे आप यहाँ से लगा रहे हो, क्या करना है आपको, ये आपने क्लिप खोल लिया है, और क्लिप खोल के जैसे आप क्लिप करते हो उसमें आपको इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है। तो ये आपके बाल को वॉल्यूम भी देता है, और आप अगर अच्छे से आप इसको स्ट्रेट कर लेते हो, मतलब अपने बालों को बहुत ही अच्छा सा वॉल्यूम दे देगा। आप इसको स्टाइल कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर करके, तो ये दिख रहा है, नहीं तो जनरली आप यहाँ से मिडिल पार्ट करके इसको बीच में आप लगाओ और उसके बाद बाकी के बाल खोल दो, दिखता भी नहीं है कि आपने एक्सटेंशन लगाया हुआ है। बहुत ईजी टू यूज़ है। आप चाहे तो इसके साथ अपने बालों को भी स्ट्रेटन कर सकते हो, चाहे तो दोनों को मिला के कर्ल कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। ये बिल्कुल भी रिमूव होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें 5 पिंस दी हुई है, कोई ना कोई अटैच रहेगी ही उसमें। और एक ये आपके बाल को बहुत ही अच्छा सा एक हाईलाइटेड पार्टी ग्लो दे देता है। मेरे हिसाब से ये 5 out of 5 वाला प्रोडक्ट है, मतलब 200 के अगर अंदर आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं और आपके बाल भी इससे डैमेज नहीं हो रहा है। पार्टी वियर में आप इसको यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। और कभी भी अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कि आपके बाल हाईलाइटेड हो या आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो तुरंत आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन लगा, जिनको हेयर स्टाइलिंग या हेयर कलरिंग करने का मन करता है बट वो नहीं कर पाते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन के बटन में ही बगल में नोटिफिकेशन बेल रहता है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो टिल देन, बाय गाइज़।